अस्सलाम वालेकुम हबीबी, मुझे अभी अभी पता चला है कि 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 300 रुपए पर डे के किस्त के हिसाब से आप लोगों को घर मिल रहा है। और मैं ये जानना चाहता हूँ, नेशन जानना चाहता है कि किस तरीके से ये पॉसिबल है मुंबई के अंदर 300 रुपए पर डे के हिसाब से 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट में स्टेशन के नजदीक घर कैसे मिल सकता है। चलिए संवाददाता के पास। हेलो जी, बिल्कुल मैं सेलेस 612 के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पे लोगों का भीड़ उमड़ा है। अरे बाप रे, मतलब 2 बेडरूम खत्म हो गया। हाँ, यहाँ पे खत्म हो गया। ओहो, 300 रुपया रोज का देने का है, मतलब टीएमसी बिल्डिंग है और नियर बाय अपना स्टेशन है, और क्या चाहिए इंसान को। तो इस हिसाब से पब्लिक को आसान पड़ता है, मिडिल क्लास लोगों को आसान पड़ता है। तो मैं खुद भी जा रहा हूँ, आप भी आइए, और ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें। और कॉल भी तो पता है क्या करना है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। करीब 300 साल पुराने खंडहर पड़े एक किले में एक मुस्लिम युवक जिसका नाम उमर कुरैशी है, इसने अजान दी और यहाँ पर नमाज पढ़ी, और इसकी वीडियो सोशल मीडिया में इसने वायरल कर दी, जिस पर हिंदू संगठन के लोगों ने पुलिस में शिकायत की और पुलिस ने अब इस युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये मुस्लिम युवक जिसका नाम उमर कुरैशी है, इसने अजान देने की जो वीडियो वायरल की थी उसमें उसके साथ आपत्तिजनक टिप्पणी करके इसने वायरल की थी। दरअसल ये पूरा मामला यूपी के शामली का है और घटना 5 दिसंबर का बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने किसी भी तरह का कानून व्यवस्था न बिगड़े इसको देखते हुए उमर कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है, और उमर कुरैशी जलालाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। खबरों के मुताबिक उमर कुरैशी पर आईपीसी की धारा 505/2 और सूचना प्रौद्योगिक संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 67 में FIR रजिस्टर की गई है। सुबह थाना भवन के गांव घोषगढ़ में 5 तारीख को एक युवक की नमाज पढ़ी है, तो क्या है ऐसा मामला है? देखिए, स्थानीय व्यक्तियों से और सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो के थ्रू एक जानकारी मिली कि घोषगढ़ में एक पुराना कोई जो है खंडहर सा जो था, जो पुराना कोई भवन रहा होगा संभवतः वहाँ कोई किला रहा था, और वहाँ पर जो है कुछ लड़कों ने जो है साफ सफाई की और एक युवक ने जो है वहाँ पर जाकर नमाज पढ़कर उसकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट की। उसके विरुद्ध तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उसमें जो है उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई, और स्थानीय व्यक्तियों को से जो है वहाँ वार्ता करके वहाँ पर फोर्स का भी लगातार मूवमेंट रखा जा रहा है, ताकि जिससे किसी प्रकार की जो कानून व्यवस्था की जो है वहाँ पर स्थिति उत्पन्न ना हो। और इसके अलावा जो है जो भी संबंधित पक्षकार हैं उनको बताया गया है कि वो राजस्व विभाग अथवा सिविल न्यायालय के माध्यम से अपना अनुदोष प्राप्त करें, क्योंकि ऐतिहासिक तौर पर जो वहाँ स्थानीय जानकारी मिली है वहाँ पर किसी प्रकार का कोई धार्मिक आयोजन होना नहीं पाया गया है, और इसीलिए वहाँ पर स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि किसी प्रकार की जो है गैर परंपरागत प्रथा को जो है यदि कोई प्रचलन में लाकर कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयत्न करेंगे तो उनके विरुद्ध कठोर से